तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जिस वक्त टर्की में भूकंप आया उस वक्त चित्तौड़गढ़ के हार्दिक समदानी भी वहां उस फ्लैट में मौजूद थे। चश्मदीद हार्दिक ने बताया कि भूकंप के दो झटके तेज आए और वह दोनों झटकों के दौरान अपने फ्लैट में था। हालांकि हार्दिक खुशनसीब था कि आज वो अपनों के बीच में। भूकंप को लेकर हार्दिक से बात की सहयोगी पी के अग्रवाल। टर्की का भूकंप और चश्मदीद गवाह निश्चित तौर पर मौत को बिल्कुल सामने से देखा हो उस शख्स से बात करने की कोशिश करेंगे जो उन दिनों टर्की में थे और जिस तब वक्त भूकंप आया तो खुद को किस तरह बचाया। हमारे साथ हैं हार्दिक, जानने की कोशिश करेंगे। हार्दिक, आप उस वक्त टर्की में थे और जो हादसा पूरा हुआ वो आपके आँखों के सामने हुआ, पूरे मंजर को कैसे देखते हैं आप? जी, काफ़ी डरा देने वाला और काफ़ी दिल दहला देने वाला पूरा जो सिचुएशन था वहाँ पे तब हो गया था। एक नहीं, मेरी बदकिस्मती थी कि मैं दो अर्थक्वेक में मेरे अपार्टमेंट के अंदर था, पर यह भी खुशकिस्मती थी कि मैं सही सलामत फिर से मेरे देश मेरे परिवार के पास आ पाया हूँ। तो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार मानता हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मेरी रक्षा की। काफ़ी डरा देने वाला जब सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी, जो माहौल था काफ़ी अफरा तफरी का था और काफ़ी हर जना जो है काफ़ी डरा हुआ था। अब जो सिचुएशन है अब थोड़ी बेटर है, लोगों में डर थोड़ा कम हुआ है, मैं भी फिर से मेरे देश आ चुका हूँ तो मैं भी अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी सरकारों की बढ़ जाती है, चाहे इंडिया की सरकार हो या हम जिस कंट्री में थे वो सरकार है। क्या लगता है सरकारें अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा पा रही थी? हमारे इंडिया के पार्टिसिपेट को आप कैसे देखते हैं? जी, जो टर्की की सरकार का जो रिस्पांस था, मुझे करीब करीब भूकंप पहले भूकंप के 6 घंटों में पहला टेंट मेरे नज़र में आज गया था, तो 6 से 8 घंटों में जो बड़े शहरों में उन्होंने रिस्पांस कर दिया था। और मुझे काफ़ी गर्व है ये जब मैंने ये जाना कि भारत का जो रिस्पांस है, जो भारत की टीम है वो वहाँ ऑपरेशन दोस्त चालू कर दिया गया था पहले 6 घंटों में भूकंप के। किसी और देश में बैठकर भी ये चीज़ पे निर्णय लिया गया और बहुत ही फुर्ती से अमल किया गया। तो मैं जब टर्की में था और जाना मैंने कि भारत जवानों को भेज रहा है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, मेरे जो दिल में गर्व की फीलिंग थी मैं उसे समझा नहीं सकता, इतनी ज़्यादा थी। जब मैं निकलते समय जब मैं एयरपोर्ट पे मेरी नज़र सिर्फ भारत का वो जहाज़ ही ढूंढ रही थी जिसमें रिसोर्स और जिसमें जवानों को भेजा गया है, तो काफ़ी गर्व की फीलिंग थी। और टर्की सरकार ने भी बड़े शहरों में पहले चंद घंटों में अपना रिस्पांस भेजा, भारत का जो रिस्पांस है उसके लिए तो गर्व है। तो ये थे टर्की में आए भूकंप की कहानी, हार्दिक की जुबानी। निश्चित तौर पर जिस तरह के वहाँ हालात बने हैं वो किसी से छुपे नहीं थे और जिस तरह से वहाँ लोगों ने अपने अनगिनत आशियाने खोए हैं तो अपनों का साथ भी छूटा है जिनकी संख्या हजारों में रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत ने जिस प्रकार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और मदद आगे भेजी है तो निश्चित तौर पर हार्दिक ने भी वहाँ देखा था, जिसकी पलक जो खास बात निकल कर सामने आई थी, एयरपोर्ट पर था तो उस वक्त पलक आँखें वहीं ढूंढ रही थी कि इंडिया की रेस्क्यू जो जिस प्रकार से जहाज पहुँचा है, जिस प्रकार से प्लेन पहुँचा है वो कहीं नजर आ जाए। तो कहा जा सकता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से ही हालात सामान्य होंगे वहाँ, लेकिन फिलहाल एक बार तो वहाँ जिस प्रकार के हालात बने हैं उन्हें देख करके हार्दिक भी सहम गया था। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़।